नमस्कार, हम आपके लिए लाए हैं बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के स्टेज 3 में पहुंचने की आशंका, राज्य की बड़ी लापरवाही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जिन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की, देश में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे साफ होता है कि कहीं न कहीं विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच में लापरवाही बढ़ती गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने भी माना है कि पिछले 2 महीने में विदेश से आए यात्रियों की संख्या और कोरोना की जांच की संख्या में अंतर है। 2 महीने में 15 लाख यात्री विदेश से भारत आए सभी यात्रियों की कोरोना वायरस जांच नहीं हुई थी। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने सभी राज्य के सचिवों को चिट्ठी लिखी, विदेश से आए यात्रियों की एक बार फिर से जांच करने का निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाए। कैबिनेट सचिव ने कहा कि 2 महीने में विदेश से आए यात्रियों की निगरानी में रखा जाए। दरअसल कोरोना संक्रमण एक दूसरे में और दूसरे से दर्जनों में फैलने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस की चपेट में आए व्यक्ति की एक गलती से दर्जनों लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उससे नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ा। कोरोना वायरस का संक्रमण कितना बड़ा खतरा है, लोग समझ नहीं रहे। दिल्ली में केस नंबर 10 को लेकर खूब चर्चा हो रही है। समझिए कि केस नंबर 10 क्या है और अंदाजा लगाइए कि कैसे एक महिला ने दिल्ली के 800 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। दिल्ली के दिलसाद गार्डन की एक महिला सऊदी अरब से वापस लौटी थी। वो महिला कोरोना वायरस से संक्रमित थी। संक्रमण के कारण पहले उसका परिवार कोरोना की चपेट में आया। 12 मार्च को महिला ने दिल्ली के मौजपुर में मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को दिखाया, जिससे डॉक्टर में कोरोना वायरस पहुंचा। डॉक्टर के कारण डॉक्टर की पत्नी और डॉक्टर की बच्ची को भी संक्रमित हो गए। एक महिला के कारण 8 लोग कोरोना वायरस के शिकार हो गए। वही डॉक्टर ने 5 दिनों के दौरान मोहल्ला क्लिनिक में करीब 800 मरीजों को देखा। अब उन 800 लोगों को सेल्फ क्वार्टराइज में रखा गया है ताकि उन्हें कोरोना है या नहीं ये पता चल सके। क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? पहला, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना कोरोना पॉजिटिव। दूसरा, संक्रमित देश की यात्रा किए बिना कोरोना पॉजिटिव। तीसरा, संक्रमण कैसे लगा ये पता लगाना मुश्किल होता है। चौथा, लोगों के कम्युनिटी में फैलने लगता है संक्रमण। पांचवा, भारत में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं शुरू हुआ। दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है, लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।